नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लगता है योगी आदित्यनाथ द्वारा करे गए जो काम हैं उनमें उनके कॉम्पिटिटर उनको मिल गए हैं। अब योगी जी को भी दो कदम पीछे छोड़ते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ निर्णय लेने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा जी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि अब वो किसी भी स्थिति में अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के नाम पर होने वाले अपराधों को स्वीकार नहीं करेंगे। यानी ये जो छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वालों की और जो है जिसे कहते हैं कि आधी वो काट के समझ गए ना, वो काट के जो सिर पर रख लेते हैं वो वाला जो समाज है ना, उस समाज के लोगों की जो तलवे चाटने की आदत थी ना, कांग्रेस की, सपा की यानी नमाजवादी पार्टी की और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की जो ये आदत थी, अब उसको करारा झटका देते हुए राजनीति के अंदर एक जिसे कहते हैं दृढ़ निश्चय और एक राजनीतिक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए और जिसे कहते हैं कि बिल्कुल सख्त हिंदुत्ववाद का परिचय देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी ने ये अब साबित कर दिया है कि ये सब छिछोरापंथी की राजनीति अब मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी और आने वाला भारत वो सनातन मूल्यों के अनुसार चलेगा। ठोक कर सबसे पहले लिखें कमेंट में मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी की जय, क्योंकि वाकई चौहान हो तो ऐसा, एक पृथ्वीराज चौहान हुए थे तो दूसरे आज शिवराज सिंह चौहान हुए हैं। तो दोस्तों, मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराना हो या लव जिहाद के विरुद्ध कड़े कानून लाना हो या फिर राज्य में उत्पात मचाने वाले दंगाइयों की संपत्ति से ही सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई क्यों ना हो, शिवराज सिंह चौहान ने योगी मॉडल को आत्मसात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और देखो, अगर अच्छे काम में कॉम्पिटिशन हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो योगी जी से भी दो कदम आगे बढ़कर अब शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में दंगाइयों के ऊपर भी कानून बना दिया। लव जिहाद के ऊपर तो कानून बना ही दिया, दंगाइयों के ऊपर भी कानून बना दिया है। अब आपको बता देता हूँ विस्तार में कि हाल ही में प्रेस से बातचीत होते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उपद्रवों के मामले में जो दंगे वगैरह होते हैं उसमें कड़े प्रावधानों की व्यवस्था करी जा रही है और इसके अंतर्गत पीड़ितों की संपत्ति को हुए जो नुकसान होगा उसकी भरपाई भी दोषी को अपनी जेब से ही करनी होगी। यानी अगर आप दंगे में किसी का घर तोड़ेंगे तो उसके घर को बनाने का पैसा भी आपको ही देना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, आदमी कहेगा करना ही नहीं भाई गलत काम, कहते ना भाई साहब गलत काम कोई नहीं, तो वही वाली चीज़ है। अब शिवराज सिंह चौहान जी को ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे का मुख्य कारण है मध्य प्रदेश में अभी आपने सुना होगा कि उज्जैन, इंदौर और मंदसौर जैसे इलाकों में आपसी झड़प और पत्थरबाजी की घटना। दरअसल मामला क्या था, अभी हुआ ये कि कुछ दिनों पहले, यही मैं आपको बात बता रहा हूँ, 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए जब लोग वहाँ गए कुछ ऐसे इंदौर के उज्जैन और उज्जैन के कुछ इलाकों में, तो वहाँ पर महाकाल की नगरी के अंदर जहाँ पे थोड़े मुसलमान बसे हुए थे जिस एरिया में, वहाँ पर मुसलमानों ने उठाकर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए हिंदुओं के ऊपर, क्योंकि उनको ये बात पची नहीं रही थी कि कैसे आखिर, सबसे पहली बात तो राम मंदिर बन कैसे गया और दूसरी बात ये कि राम मंदिर बन गया तो राम मंदिर पर अब ये लोग उसके लिए चंदा कैसे मांग रहे, तो उनको ये बात बिल्कुल पची नहीं, उनको ईर्ष्या होने लगी तो उन्होंने हिंदुओं पर पत्थर बरसाए, अपने छतों से तेजाब फेंका, ऐसी भी घटनाएं सुनने में आई। तो अब शिवराज सिंह चौहान के अनुसार पत्थरबाजी कोई साधारण अपराध नहीं है, ये बेहद जानलेवा है और इससे लोगों की जान जा सकती है, इससे भय और आतंक का माहौल पैदा होता है, भगदड़ मचती है, अव्यवस्थाएं होती हैं। वो बोले कि इस तरीके के अपराधी साधारण अपराधी नहीं होते हैं और इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, इनके खिलाफ अभी तक तो मामूली सी कार्रवाई होती थी लेकिन अब कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए कानून बनेगा। पथराव करने वाले जो है अक्सर सार्वजनिक संपत्ति को और लोगों की जो है घर आदि दुकान आदि को आग लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसी हरकतों का भी ये लोग सहारा लेते हैं। लेकिन मतलब कई बार आपने सुना होगा कि कई लोगों के घर और दुकानों को जला दिए, गाड़ियों में आग लगा दी, दिल्ली दंगों में आपने देखा किस तरीके से, लेकिन दिल्ली सरकार ने कुछ विशेष कार्रवाई नहीं करी। अब लोगों को लोकतंत्र में शांति से अपने मुद्दों को उठाने का अधिकार तो है, लेकिन यार ये क्या तरीका है कि आप किसी की जो है आप सार्वजनिक संपत्ति को आग लगा रहे हो, सरकारी बसों में आग लगा रहे हो, किसी आदमी ने 10-15 साल मेहनत करके छोटी सी दुकान ली, उसमें सामान लगाया, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, आपने जाके आग लगा दी क्योंकि आपके दिमाग पर जिहादी उन्माद चल रहा है, ये तो साफ गलत है, ये नहीं जचेगा। अब शिवराज सिंह चौहान जी ने कह दिया है कि इस नए कानून के अंतर्गत अगर जरूरत पड़ी तो आरोपित जो होंगे उनकी संपत्ति को नीलाम करवा के भी इस नुकसान की भरपाई होगी। इस नए कानून के निर्माण के लिए निर्देश दे दिए गए हैं, सीना ठोक के काम किया गया है। दोस्तों, तो शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में कॉमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, उन्होंने जो फैसला लिया है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं तुरंत लिखें। अभी मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित बेगमबाग इलाके में राम निधि संग्रहण रैली निकालने के दौरान जब अराजक तत्वों ने हिंदू संगठन पर पथराव किया था
तो पर्टिकुलरली इस घटना के बाद से संज्ञान लेते हुए पुलिस ने उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ भगोड़े अपराधियों पर रासुका के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया, बल्कि जिन घरों से पत्थरबाजी हुई उन घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया। आपने सुना होगा बुलडोर से जिन लोगों ने पत्थरबाजी करी उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यही योगी मॉडल का अनुसरण है, जिसके बल पर योगी आदित्यनाथ ने ना सिर्फ CAA के विरोध के नाम पर उत्तर प्रदेश के दंगों को, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य आपको पता है, उत्तर प्रदेश में आप जाइए जरा, आप वेस्ट यूपी में जाइए, आप मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादनगर और पूरा आप जाइए एरिया, पूरा रुड़की तक, उत्तराखंड के रुड़की तक पूरा पूरा इलाका जो है वही है टोपीबाजों का है, शांति दूतों का इलाका है तथाकथित। और अगर आप ईस्ट यूपी में भी जाइए तो आप किधर जाइए, लखनऊ जाइए, कानपुर जाइए, लखीमपुर खीरी जाइए, आप कहीं भी जाइए, बाराबंकी जिसे पहले फैजाबाद कहते थे यानी अयोध्या के भी आउटर एरिया में दबादब मुसलमान ही भरे पड़े हैं दोस्तों, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो ये है कि यार आप हमारी सभ्यता के हिसाब से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ये देश तो सबको गले लगाता है, लेकिन आप कम से कम इस देश की सभ्यता के अनुसार तो चलिए। कोई आदमी राम मंदिर के लिए चंदा मांगता है, आप उसके ऊपर पत्थर बरसा रहे हो यार, और आपसे थोड़ा ना मांगा है, और मांगा भी आपको नहीं देना मत दो, और आपसे तो मांगा ही नहीं था, उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप चंदा देंगे, उन्हें तो पता था कि मांगेंगे चंदा, और नहीं भी मांगेंगे तो भी आप पत्थर दोगे। तो ये चांद मियाँ को फॉलो करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब जो है ना ये चांद भाई की रोटी, ये जो इलाके हैं ना इस तरीके की, चांद भाई की रोटी खाइए, शमीम भाई के कबाब खाइए, जगह जगह जाइए, अल्लाह का करम है हलीम बिरयानी करम है साहब, ऐसे इलाकों में जाइए आप, हिंदुओं का जीना मुश्किल है। बात केवल हंसी मजाक नहीं, वाकई हिंदुओं का जीना मुश्किल है। अभी मैं हाल ही में मंसूरी के आसपास घूम रहा था, वेस्ट यूपी में आगे ये हापुड़ के पास जगह पड़ती है मंसूरी, तो डासना के पास, तो वहाँ पर ये मैं उधर गया एक इलाके में किसी काम से, तो मैं देख रहा हूँ कि पूरे इलाके में कम से कम 1.5-2 किलोमीटर के इलाके में मुझे एक हिंदू की दुकान दिखाई दी, काफ़ी केवल एक हिंदू की दुकान थी, और एक कोई डॉक्टर साहब थे, कोई पंजाबी डॉक्टर साहब थे। तो मतलब इलाके के इलाके भर गए हैं अब सनातन विरोधियों से। ऐसे में यदि सरकार ऐसे कानून ना बनाए जिनसे हिंदुओं की रक्षा हो, तो क्या करे सरकार, सरकार को मजबूर कर दिया इन लोगों ने। हिंदू मतलब आज हिंदुओं के देश में ही हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की रक्षा के लिए कानून बनाने पड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा, कि इस देश के अंदर आज जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी की तरह बर्ताव कर रही है, और जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी की तरह डर में रह रही है। ये कोई पाकिस्तान है क्या यार, इस देश का माहौल खराब करके रख दिया कुछ लोगों ने। और अभी तक राजनीतिक पार्टियों, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, या फिर आप चाहे बात करें तृणमूल कांग्रेस की, इन सभी पार्टियों ने ऐसे ही तत्वों को तो शह देने की हमेशा से कवायद करी है। तो जब एक देश में सिविलाइज्ड सोसाइटी को कोई पूछेगा नहीं, और अनपढ़ गवार जाहिलों का, अब जैसे आपको पता है पाकिस्तान में अब ये बहस चल गई है, मतलब सड़कों पर 1-1, 2-2 लाख लोग खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें जो पाकिस्तान के अंदर शिया हैं उनको काफिर घोषित किया जाए। पहले हिंदू नाम के काफिरों की तो तुमने सारी संपत्ति लूट ली, उनका तो कुछ बचा नहीं, अब किसकी लूटें, चलो अब आओ अब शिया सुन्नी के नाम पे शियाओं की संपत्ति लूट लेते हैं, कल जब शिया भी ख़त्म हो जाएंगे तो सुन्नी आपस में लड़ेंगे। तो इस तरीके के कठोर कानूनों को, जो कि उपद्रवी दंगाइयों को रोकने के लिए कारगर हैं, ऐसे कानूनों को बनाना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, बेहद आवश्यक है। अगर आप भी मेरी बात का समर्थन करते हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का निशान दबाइए यानी कि घंटी का निशान। अभी आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा, फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ, एक और खुलासा करूँगा, हिंदुत्व की बात करूँगा, राष्ट्रहित की बात करूँगा, और सच्ची बात करूँगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, जय जय भारत, नमस्कार।